देखें IBN9, मैं हूँ श्वेता। आगर मालवा में स्थानीय सत्यनारायण गली राम मंदिर चौक पर श्री राम मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। रहवासियों के अनुसार मंदिर निर्माण में भराव के लिए सामान्य तौर पर पत्थरों के मोरम का प्रयोग किया जाता है, परंतु ठेकेदार लापरवाही पूर्वक इस कार्य को कर रहा है एवं पत्थरों की जगह गंदी मिट्टी, पॉलिथीन व गंदे कपड़े से भराव किया जा रहा है। यदि वो अपना काम उधार लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम तो चल ही रहा है। यदि भारी अनियमितता यदि कोई होती और जिसमें हमको जुर्माना हो ही जाता तो हम उसको अनियमितता में मानते, यदि हम अभी समय रहते उसको यदि सही करवा ले तो उस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम समय समय पर हम मॉनिटरिंग करते रहे। देपालपुर अखिल भारतीय क्षत्रिय कलोता समाज युवा संगठन के छठवां वर्ष पूर्ण होने पर संगठन का स्थापना दिवस के रूप में समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समाज के बालक बालिकाओं को हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल के 80% के ऊपर अंक प्राप्त करने वालों समाज के बालक बालिकाओं का हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल में 80% ऊपर अंक प्राप्त करने वाले बच्चों का सम्मान पत्र व मेडल देकर उनको पुरस्कृत किया गया तथा समाज के नवीन शासकीय व प्राइवेट विभागीय सेक्टर में उच्च पदों पर आसीन हुए उनका भी संगठन द्वारा सम्मान किया गया। मन निर्मल एवं मन में सेवा का भाव हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए, क्योंकि दादाजी सेवा का अवसर बहुत ही कम देते हैं। वो जिस भक्तों को दादाजी की सेवा का अवसर मिलता है वह निश्चय ही वहाँ सौभाग्यशाली होता है। इसलिए मन में दीन दुखियों की सेवा का जज्बा होना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद के लिए धर्म के कार्य के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। उक्त विचार दादाजी धूनी वाले दरबार श्यामला हिल्स भोपाल के साधक संत गुरुदेव दादा भाई के दादाजी नाम सहकीर्तन के 108 आयोजन के पूर्व दादाजी सेवा भक्त मंडल के शिष्यों को आशीर्वाचन देते हुए व्यक्त किए। मामला खातेगांव का है। नगर के वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद रघुवीर पमार के घर रामनवमी के दिन से एक बंदर प्रतिदिन घर आकर उनके परिवार के सदस्यों जैसा व्यवहार करते हुए घर सदस्यों के बीच हर चीज हाथ पकड़कर निकाल लेता है। बच्चों के साथ दिन भर करता है धमा चौकड़ी, कहीं बिस्तर पर बच्चों के साथ खेलता है तो घर के आंगन में मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना, और जब पानी पीने और खाने की याद आती है तो घर के सदस्यों को हाथ पकड़कर अंदर के कमरे में ले जाकर अपने हाथों से फ्रिज खोलकर जिस चीज को खाना रहता है वह चीज फिर से निकाल लेता है। यह एक ऐसा बंदर है जो कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रतिदिन सुबह आता है और शाम को जंगल में चला जाता है। मोहल्ले के बच्चे भी इस बंदर से काफी खुश हैं और इस बंदर के साथ दिन भर समय गुजार रहे हैं। भीषण दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है बरसों से सड़क किनारे सूखा पेड़। विशाल पेड़ होने के कारण निश्चित ही कोई गंभीर घटना जिस दिन यह आंधी हवा में गिरा उस दिन घट सकती है। डिंडोरी वन कर्मचारी संघ हड़ताल से अब जानवर भी सुरक्षित नहीं है। गौरतलब है कि वन कर्मचारियों की 19 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है, जिसके कारण जंगलों की रक्षा करने के लिए कोई भी वन कर्मचारी तैनात नहीं है। इसके चलते पानी में एक चीतल घायल अवस्था में दिखाई दिया, जिसके कुछ घंटों के बाद ही वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वेटनरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से इलाज कराकर उसे छोड़ दिया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए IBN9।